प्रखंड के महुरी पंचायत में चल रहे मनरेगा के विभिन्न योजनाओं में भारी घोटाला का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि महुरी पंचायत में मनरेगा के तहत 42 योजनाएं हैं, जिसमें कई योजनाएं ऐसी है कि कार्य धरातल पर हुआ ही नहीं है। मिलीभगत से पैसा की निकासी कर ली गई है। गोदामीय आहार, रेरिया आहार, पूर्व मुखिया तेज बहादुर सिंह के घर के समीप बड़ा बड़ के पेड़ के पास पैन उड़ाई का कार्य हुआ ही नहीं है और मनरेगा के तहत पैसा निकासी कर ली गई है। ग्रामीणों ने मुखिया और मनरेगा के कर्मचारियों एवं पद अधिकारियों की मिलीभगत से बिना कार्य कराए ही लाखों रुपए की निकासी कर लेने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में डुमरिया प्रखंड विकास पद अधिकारी महोदय श्रुति कुमारी ने बताया कि इमामगंज के पीओ प्रभार में है, जांच रिपोर्ट डीडीएस को दे दिया गया है। अभी तक डीडीएस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गया से बरखा के साथ विप्लव कुमार की रिपोर्ट। मैम, डुमरिया प्रखंड महोरी पंचायत के अंतर्गत मनरेगा में कार्य किए जा रहे हैं, उसमें बहुत से अनियमितता देखी जा रही है। इसमें ग्रामीणों का आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी इसमें पीओ के द्वारा निगरानी में काम किया जा रहा है, इसमें बहुत सी कमियां हैं। और जो देखिए, ये महोरी पंचायत में अभी नए पीओ आए हुए हैं, इमामगंज के पीओ ही प्रभार में हैं, उन्हीं के द्वारा जांच की गई है और इनके आने से पहले में ही वहाँ काम करवाया गया था और उनका जांच रिपोर्ट डीडीसी सर को दे दिया गया है। डीडीसी सर के तरफ से अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिला हुआ है। अब वो जो निर्देश देंगे उसी के आलोक में काम किया जाएगा। जितना भी मोहड़ी पंचायत में मनरेगा के काम हुआ है, सब फोर जारी हुआ है, काम भी नहीं हुआ। यहाँ देखिए, सामने पैन का निर्माण का पैसा निकासी हो गया है, लेकिन काम एक थोक भी नहीं हुआ है। हम यही कहेंगे कि डीएम को बाहरी टीम, प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कोई भरोसा नहीं है। डीएम बाहरी टीम गठन करे और नरेगा को पूरा जांच ईमानदारी पूर्वक हो। और हमें प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ईवी भ्रष्ट पर उतना ही भी मिले हुए हैं। मनरेगा के जितने कर्मचारी भी हैं विभाग के, उनको तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और इसमें मुखिया लिप्त है, मुखिया तो बहुत जबरदस्त घोटाला किए हुए हैं, मुखिया पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए।